खूबसूरती और प्यार की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल को किसने और किसके लिए बनवाया था ये तो हम सब जानते ही हैं, परंतु इसके बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस इमारत से जुड़ी है लेकिन आपको शायद ही पता हो। इसलिए हम आज ताजमहल से जुड़ी 13 ऐसी बातें बताएंगे जो आप जान के चौंक जाएंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल गाइस एवरीथिंग इज़ फाइन। दिस इज़ MSC एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें। तो चलिए आज का एजेंडा शुरू करते हैं। ताजमहल के मकबरे की छत में छेद। ताजमहल के मकबरे की छत में एक छेद है जिसके पीछे भी बहुत ही दुख भरा कारण है। कहा जाता है कि शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ काटने के निर्देश दे दिए थे जिन्होंने इस सुंदर इमारत का निर्माण किया था, क्योंकि वो चाहता था कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत कोई और ना बने। शाहजहां के इस फैसले से नाराज़ मजदूरों ने जानबूझकर मकबरे में एक छेद छोड़ दिया था जिसकी वजह से बारिश के मौसम में आज भी वहाँ पर पानी टपकता रहता है। ताजमहल के गुम्बद को बांस से ढकना। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध 1971 भारत पाक युद्ध और 9/11 के बाद ताजमहल को पहली बार बांस से ढक दिया गया था। इस शानदार इमारत की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताज के चारों तरफ बांस से एक सुरक्षा घेरा बनाने के बाद उसे हरे रंग की चादर में ढक दिया था ताकि दुश्मनों को इस खूबसूरत इमारत के बारे में पता न चल पाए और ताजमहल को किसी भी तरह की क्षति होने से बचाया जा सके। शाहजहां ने पहली बार ताजमहल को देखा। क्या आप जानते हैं कि जब शाहजहां ने पहली बार ताजमहल को देखा तो ताजमहल देखते ही वह उसकी सुंदरता के कायल हो गया और उसके मुख से निकल पड़ा कि यह सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी बल्कि उन सभी दोष मुक्त करेगा जो एक पाक जमीन पर कदम रखेगा, इसकी गवाही चांद तारे भी देंगे। क्या शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने ऐलान कर दिया था कि जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनवाया है उन सब के हाथ काट दिए जाएं। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। अब पता नहीं इस बात को कितना सच है ये तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की हुई है और तो कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं, परंतु यह भी कहा जाता है कि ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों का योगदान रहा। उनमें से एक उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने ताजमहल को बनवाया था और लाल किले का निर्माण का कार्य भी उसी की देखरेख में शुरू हुआ था। ताजमहल की मीनारें। ताजमहल के मुख्य गुंबद के चारों तरफ मीनारें हैं। यह चारों मीनारें इस तरफ की झुकी हुई हैं। इनके झुके होने का रहस्य यह है कि यदि भूकंप या प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये मीनारे गिर भी जाए तो ताजमहल के मुख्य गुंबद को कोई हानि न हो। ताजमहल को बेच दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि बिहार के एक प्रसिद्ध ठग जिसका नाम नटवरलाल था, उसने ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते परंतु ऐसा कहा जाता है। यमुना न होती तो ताजमहल भी न होता। ताजमहल की बनावट ऐसी है जिसे एक खास आधार की ज़रूरत थी और उस आधार को एक ऐसी लकड़ी से बनाया गया है जिसे पानी मिलने पर ही मजबूती मिलती है और इस काम को करती है यमुना नदी। ताजमहल के अनोखे पत्थर। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण में बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जिसे देखने से आँखें भी चौंधिया जाती है। इस इमारत को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था उन्हें मुख्यतः चीन, तिब्बत और श्रीलंका से 18 तरह के बहुमूल्य पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया था। इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में अपने साथ ले गए थे। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के फव्वारों की सबसे खास बात है क्या है? वो ये है कि इसमें आधुनिक युग की किसी भी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल फव्वारे में पाइपलाइन डाली जाती है, ताजमहल में ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये ऐसा काम इसलिए करता है क्योंकि इसमें नीचे तांबे का एक विशाल टैंक बना हुआ है जिसमें पानी एक साथ भरता भी है और एक साथ फव्वारे से निकलता भी है।
सबसे ज़्यादा पर्यटक। ताजमहल को दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारतों में से एक कहा जाता है। ताजमहल देश विदेश से आए सैलानी को द्वारा देखा जाता है, जिनकी संख्या लगभग 13 लाख एक दिन में होती है। इसलिए ये विश्व की एक दिन में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत में शामिल है। काले ताजमहल का सपना। क्या आपको पता है कि शाहजहाँ ने मुमताज की याद में जो सफ़ेद ताजमहल बनवाया था, उसकी खूबसूरती देख शाहजहाँ के मन में क्यों न खुद अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाया जाए। परंतु शाहजहाँ का ये सपना सपना ही रह गया, क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया था। ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। जॉर्ज ने इस सेल्फी में फिश आई लेंस का प्रयोग किया था। ताजमहल का रंग बदलना। क्या आपने कभी गौर किया है कि ताजमहल का रंग भी बदलता है? अगर नहीं तो अगली बार कभी ताजमहल देखने जाएं तो ये ध्यान दें, क्योंकि यह एकदम सत्य है। इसका रंग पहर के हिसाब से बदलता है। अगर हम इसे सुबह में देखेंगे तो यह हल्के गुलाबी रंग का दिखता है और शाम को दुधिया सफ़ेद रंग का दिखता है। और अगर ताजमहल को चांदनी रात में देखेंगे तो पाएंगे कि हल्के रंग का दिखता है। तो ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ मज़ेदार हस्य, जिनको आज आप लोग को मैंने साझा किया, शेयर किया। आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। हाँ, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।